झीरम घाटी हमले की जांच अब नए सिरे से एसआईटी करेगी। बुधवार को राज्य सरकार ने एसआईटी की 10 सदस्यीय टीम गठित कर दी। बस्तर आईजी विवेकानंद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है, लेकिन एसआईटी जांच के पहले एनआईए के केस को वापस लेना पड़ेगा, जिसके लिए डीजीपी डीएम अवस्थी और राज्य सरकार ने एनआईए को पत्र लिखा है। जैसे ही एनआईए से केस की फाइल वापस मिलती है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से मामले की जांच शुरू कर दी जाएगी। दरअसल झीरम हमले की जांच एनआईए अब तक कर रही थी। एनआईए अपनी जांच पूरी कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार इसकी जांच नए सिरे से कराना चाहती है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि एनआईए से फाइल वापस मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से जाँच शुरू किया जाएगा। साथ ही जाँच के लिए एनआईए के बिंदुओं के साथ कई अहम बिंदुओं को भी जोड़ा जाएगा। झीरम घाटी की एसआईटी का गठन हो गया है। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप एनआईए से हमने केस को वापस मांगा है और शासन ने उसके लिए पत्र लिखा है। जैसे ही केस वापस आएगा, तुरंत ही जांच एसआईटी शुरू कर देगी। एसआईटी की घोषणा कर दी गई है और जिस दिन कागज़ आएगा एनआईए का, उसी दिन एसआईटी अपना काम शुरू कर देगी। पूरे झीरम घाटी के हत्याकांड के मामले की जाँच करनी है, उसमें जितने भी बिंदु हैं और जो अन्य बिंदु हो सकते हैं, उन पर जाँच की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।